लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये मेरा दोस्त प्रेम है, आप इनके साथ जाइए, मैं आपसे कल मिलूंगा। ड्राइवर चलो। रतन कुमार, कोई कितनी ही सरकशी करे, आखिर उसे हमारे दरबार में आना ही पड़ता है। हाथ जोड़े और सर झुकाए, बोलो क्या अंजाम करूं तुम्हारा। तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं वो मुझे पता है, लेकिन बलराम सिंह तुम्हारी जीत ऐसी ही है जैसे किसी भिखारी की झोली में कोई पैसा डाल दे। वरना तुम्हारी क्या मजाल के तुम मेरा बाल भी बांका कर सको। अगर मेरी हार हुई है तो इसलिए कि जिसे मैंने अपना दोस्त कहा उसने चंद सिक्कों के लिए अपनी दोस्ती को बाजार में नीलाम कर दिया। पहचानते हैं इन्हें, ये मेरी मां की तस्वीर है। मेरे हाथ भी, याद करो मेरी मां को और इन हाथों में तुम्हें तुम्हारी मौत नजर आएगी। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनकी जिंदगी में सुख होता है, खुशियां होती हैं। मैंने तो सारा जीवन दुख झेला है, मेरे लिए मौत सजा नहीं, निजात है बेटा। किसको बेटा कह रहे हैं आप? बेटा तो बुढ़ापे का सहारा होता है, हंसता वो खुद सूली पर चढ़ जाता है, बाप पर आंच नहीं आने देता। उसके प्यासे को आप बेटा कह रहे हैं? नहीं पुष्पा, नहीं ऐसा मत कहो पुष्पा, आखिर ये भी किसी की औलाद है और सच सही झूठ सही ये अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर रहा है। जब किसी का बच्चा हो जाता है तो उसे हर बच्चा अपना ही बच्चा नजर आता। तुम्हें बताओ कौन था वो जिसको गोलियों की बौछार से बचाकर मैं घर से भाग निकला था? कौन था वो जिसे तपती वीरान में अपने सीने से लगाए मैं पनाह ढूंढ रहा था? कौन था वो जो मुझसे जबरदस्ती छीन लिया गया था, जिसकी एक झलक देखने के लिए मैं बरसों रोया हूं, बरसों तड़पा हूं? वो अपना बेटा सुनने नहीं था ना, और आज मैं भूल से यह समझने लगा कि ये शाम अपना ही सुंदर है। बेटे, मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं, सिर्फ सौतेला बाप हूं, इसलिए भूल से तुझे अपना बेटा कहा मैंने। आओ बेटे, आगे बढ़ो और अपनी मां का हुक्म पूरा करो। बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तोड़ दो इसकी चूड़ियां और बेवा कर दो एक मां को, मिटा दो अपने हाथों से, मिटा दो इसकी मांग का सिंदूर, भोग दो, भोग दो ये चाकू मेरे सीने में और लूट लो इसका स्वाद। खेलो खेलो होली मुझसे, मेरे खून से खेलो। कर लो लगता है इन्हें हार्ट अटैक हो गया। ये मर गया तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा।
शंकर फौरन डॉक्टर को बुलाओ। यस डॉक्टर, सहगल को लेकर हम ऊपर आ रहे हैं। उन्हें बताया तो नहीं है किसका मकान है? नहीं। ओके, डॉक्टर सहगल को पता नहीं चलना चाहिए कि यह मकान हमारा है। तुम लोग हॉल से बाहर जाओ, यू ऑन द डोर, तुम मेरे साथ आओ। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, वो सामने कमरे में है। कौन है आदमी? ये मेरे चचा हैं और आज ही पुना से आए, इनको हार्ट अटैक हो गया है। ठीक है, आप किसी हॉस्पिटल में फोन करके ऑक्सीजन मंगाइए। जी, और आप सब मेहरबानी करके बाहर जाइए और दरवाजा बंद कर लीजिए। चलो। तुम यहीं ठहरो, ओके? अरे तुम्हारी सांस तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। मुझे कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर, लेकिन मैं और मेरी पत्नी जो दूसरे कमरे में बंद है कल मार डाले जाएंगे, और हमारी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो डॉक्टर सहगल, सिर्फ तुम। तुम कौन हो? कौन हूं मैं? और से देखो, नहीं पहचाना? गौर से देखो डॉक्टर सहगल, और तुम्हें मेरी सूरत में वो अन्याय नजर आएंगे जो परसों पहले तुमने एक लाचार के साथ किए थे। तुम रतन कुमार हो? हाँ, रतन कुमार, वही बदनसीब रतन कुमार जिसे एक दिन उठाकर तुम अपने घर ले गए थे। उस समय मैंने तुम्हें नेकी का फरिश्ता समझा था। रतन कुमार, मगर मुझे बताओ तो ये माजरा क्या है, ये किसका मकान है? मेरे दुश्मन बलराम सिंह का। कौन बलराम सिंह? वही बलराम सिंह जिसने बहुत साल पहले मुझे कीमती हीरों की चोरी पर मजबूर किया था, और जिसके डर से मैं वो हीरे और अपने मासूम बच्चे सुंदर को लेकर घर से भागा, तो उसने मेरे घर में आग लगा दी थी। मगर तुम ये बलराम सिंह के चंगल में कैसे फंसे? सुंदर के हाथों। सुंदर? हाँ सुंदर, जो अब शाम बन चुका है। ये शाम तुम्हारा बेटा सुंदर है? हाँ, वही सुंदर जो कि जब 2 महीने का भी नहीं था आपने मुझसे छीनकर महारानी मानवती की गोद में डाल दिया था। आपने ना सिर्फ महारानी को धोखा दिया बल्कि मेरे बेटे सुंदर को भी। आज वो मुझको सौतेला बाप और अपनी माँ पुष्पा को सौतेली माँ समझता है। आप तो जानते हैं महारानी हादसे में मरी, मैंने उनका खून नहीं किया था, लेकिन वो महारानी का बदला मुझसे लेना चाहता है, मुझसे जिस बाप ने उसे जन्म दिया, जिस माँ का उसने दूध पिया, आज उन्हीं के खून का प्यासा है वो। रतन, मैं मानता हूं कसूर मेरा है, सुंदर को ये सारी गलतफहमी मेरी वजह से है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, न सिर्फ मैं सुंदर को सारी असलियत बता दूंगा बल्कि अभी जाकर पुलिस कमिश्नर को खबर करता हूं और आज ही रात इन बदमाशों को पकड़वा दूंगा। डॉक्टर साहब, मरीज की हालत कैसी? मैंने इंजेक्शन दे दिया है, आराम से सोने दो, कल सुबह फिर आकर देख लूंगा। चलिए आपको छोड़ आते हैं। आओ शाम। कहाँ? डॉक्टर साहब को छोड़कर आते हैं। चलिए। मुंबई से निकलते ही सीधे पूना वाले रास्ते पे गाड़ी ले लो, और याद रहे
अगर जरा भी होशियारी की तो तुम दोनों के भेज उड़ा दूंगा। मुझे दिया वो शाम बाहर निकल। शंकर, मेरे सर खून चढ़ चुका है और तुम जैसे कुत्तों को मारने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। अब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा, वरना तुम जिंदा नहीं रहोगे। हेलो, मैं शंकर बोल रहा हूं। डॉक्टर सागर और शाम को हमने खत्म कर दिया है। आगे बोलो। डॉक्टर सागल और शाम की लाशें और गाड़ी पूना रोड पर चंबू नाके के आगे घाटी पर खाई में फेंक दी हैं, ताकि पुलिस समझे कि हादसा हुआ है। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो शंकर, हम सब यहां से फौरन निकल रहे हैं। तुम्हें याद होगा कि बॉम्बे आगरा रोड पर नांदी गांव के आगे एक वीरान सी जगह में कुछ पुराने खंडरात हैं, जिन्हें लोग हवा महल कहते हैं। हाँ, आगे बोलिए। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हमारे 25 साल का जबरदस्त संघर्ष का खात्मा हो जाएगा। ए, वेट, दरवाजा बंद कर दो। हेलो। हेलो विक्रम, मैं माला बोल रही हूँ। मैं बहुत परेशानी में हूँ। क्या बात है माला जी? मैं पुणे से बॉम्बे आ रही थी तो चंबूर के आगे ये गाड़ी को खाई में पड़े देखा। गाड़ी के पास दो लोग जख्मी पड़े थे, इनमें से एक मेरे डैडी हैं। हाँ, वो यहाँ कैसे पहुंचे, कैसे ये हादसा हुआ मुझे कुछ नहीं पता, मगर वो बेहोश है। हाँ, बहुत बुरी तरह जख्मी है। और वो दूसरा आदमी? पता नहीं कौन है, मगर वो मर चुका है। आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं चंबूर ब्रिज के आगे पब्लिक टेलीफोन से। यहाँ मैं अकेली हूँ, यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है, मजबूरन आपको फोन किया है। एक मिनट, बोलो, मैं एम्बुलेंस लेकर अभी आता हूँ। माला जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं एम्बुलेंस लेकर अभी आता हूँ। जी हाँ, अभी फर्न। ये शंकर भी बड़ा बेवकूफ आदमी है, अगर वो बुरा होश में आ जाता और सारी बातें। तुम फौरन एम्बुलेंस लेकर जीवन के साथ वहां पहुंचो। शाम तो पहले ही मर चुका है, उस जख्मी बुड्ढे और लड़की को भी ठिकाने लगा दो जी। और उसके बाद तुम दोनों हवा महल पहुंचो। ओके। अरे, ये हैट किस लिए? ये मेरा लकी हैट है। गुड लक, कम ऑन, लेट्स गो। तुम जल्दी से घर खंडर का रास्ता ठीक है मालूम है ना? हाँ, और हमें वहाँ जल्द से जल्द पहुंचना है। बलराम सिंह जब वहाँ पहुंचेगा, देखेगा उसके बेटे विक्रम की जिंदगी हमारे हाथों में है, तो हमारे माता पिता को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा।
गोलियों का निशाना है। अगर तुम उनकी जिंदगी चाहते हो तो हमारे हीरे लेकर नीचे आ जाओ, उसके बाद तुम सब आजाद हो। दिलावर, भीमा, बाहर निकलते हो या? वो तो शंकर ने मार डाला था। ये तो विक्रम साहब है। लगता है कि शंकर पकड़ा गया और इन लोगों ने उस लड़की माला से फोन करवा के विक्रम को भी पकड़ लिया है। बलराम सिंह, मेरे मां बाप तुम्हारे पास है तो तुम्हारे बेटे की जिंदगी मेरे हाथ में। अगर मेरे मां बाप पर जरा सी भी आंच आई तो मैं तुम्हारे बेटे को यही मारकर यही गाड़ कर चला जाऊंगा। ठीक है सुंदर, तुम विक्रम को यहां आने दो, उसके साथ ही मैं तुम्हारे मां बाप को वहां जाने दूंगा। ओके। रवि जरा होशियारी से काम लेना, रिवॉल्वर तुम्हारी जेब में है। चलता हूं। जाओ। जाने दो इन्हें। ये विक्रम किस तरह चल रहा है? जैन, जैन हमको धोखा दिया जा रहा है। जैन शूट देम, जैन शूट देम। रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। पिता, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ माँ। बाबा बंदूक फेंकिए ना। रवि तुम माँ को ले जाओ। रॉबर्ट, तुम लोग मोर्चा संभालो, मैं बाकी लोगों को लेकर हवा महल के पीछे से हमला करता हूं। ओके। इस तरफ तो कोई नजर नहीं आता, पीछे की तरफ देखें। वहां से डायनामाइट ले आओ, चलिए। Thank you.
मेरे सारे के सारे आदमी खत्म। हमें यहां से जीप लेके फौरन निकल जाना चाहिए। बलराम सिंह, तुम्हारे जुल्म से मैं सारा जीवन भागा हूं। आज 5 मिनट भागना पड़ा तो तुम्हारी जुबान बाहर निकल आए। ठीक है रतन कुमार, तुम जीत रहे, मैं हारा। तुमने मेरे सारे आदमी भी खत्म कर दिए और मुझे भी सजा दे दी। मैं तुम्हारे सामने सर झुकाता हूं, मुझे माफ कर। छोड़ दीजिए मुझे, मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटे नहीं, हमने मुकाबला किया था सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए, हारे हुए दुश्मन की जान लेने के लिए नहीं। ये छुरा मुझे दे दो, दे दो। इसकी तकदीर का फैसला कानून करेगा। कानून? हाँ कानून, वो देखो। ले जाएं दोनों को, चलो। ये सुनीता के साथ दूसरी लड़की कौन है? माला, मेरी बेटी, तुम्हारी होने वाली बहू।